तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में एक ग्रीक मैथमेटिशियन के बारे में बताने वाला हूं। तो यस गाइस, आई एम बैक विद माय वीडियो। मैं आज आपको श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में बताने वाला हूं। यस गाइस, आपको उनका नाम पहले से मालूम रहेगा, आप अगर मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो आपको इनका नाम मालूम रहेगा। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन, हु हैज गिवन अस लॉट्स ऑफ थिंग्स। उनका मतलब बहुत कुछ एफर्ट है अपने मैथमेटिक्स में, और वो एक फर्स्ट इंडियन ऐसे थे जिनका कि पूरे वर्ल्ड में नाम भी है। तो गाइस, श्रीनिवासा रामानुजन, उनका जो जन्म था वो 22 दिसंबर 1887 को हुआ था गाइस, और उनके बर्थडे पे हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे भी सेलिब्रेट करते 22 दिसंबर को। तो गाइस, उनका जन्म एक ईरोड नाम के जगह पे मद्रास में हुआ था। तो वो गाइस, मद्रास का ये टाइम पे नाम है तमिलनाडु। तो यस गाइस, पहले तमिलनाडु को मद्रास बोला जाता था। तो उनका जन्म तमिलनाडु स्टेट में हुआ था। वो मतलब ज़्यादा अमीर भी नहीं, थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके फादर जो थे वो एक लोकल शॉप में काम करते थे जिससे उनका खाना पीना निकल जाता था, और उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी, और वो मतलब थोड़े बहुत अमाउंट कमाने के लिए लोकल टेम्पल्स में जाके थोड़े पूजा करती थी। तो गाइज, श्रीनिवासा रामानुजन को 1889 में एक बीमारी स्मॉल पॉक्स नाम का हो गया था, और उस साल उस बीमारी की वजह से 4000 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन हमारी ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन ने वो बीमारी से सर्वाइव किया, क्योंकि उन्हें आगे बहुत कुछ करने का था। तो गाइज, श्रीनिवासा रामानुजन ने वो बीमारी को सर्वाइव किया, और लेकिन उनका एजुकेशन में इतना मन नहीं था, उनका प्राइमरी एजुकेशन भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो सका था गाइज। यस गाइज, उनका प्राइमरी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, पर उन्होंने मैथमेटिक्स में, इंटीजर्स में ग्रेट मतलब एकदम बहुत ही कुछ उनको आ गया था। 12 मतलब 12 साल की उम्र में उनका ट्रिग्नोमेट्री में एकदम चैंप हो गए थे वो। ये 12 साल की उम्र में, अभी तो बच्चों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। और गाइज, उन्होंने हमें 22/7 पाई का वैल्यू दिया था। जो 22/7 पाई का वैल्यू हम आज के ज़माने में पढ़ते, वो वैल्यू भी द ग्रेट मैथमेटिशियन सर श्रीनिवासा रामानुजन ने ही दिया था। और उन्होंने 3900 रिजल्ट्स निकाले थे आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस पर, तब उनको जाके द ग्रेट मैथमेटिशियन ऐसा दर्जा दिया गया था। और गाइज, उनके ऊपर एक मस्त मूवी भी है हॉलीवुड में, जिसमें देव पटेल द ब्रिटिश एक्टर ने काम किया है, जिन्होंने श्रीनिवासा रामानुजन का किरदार निभाया है। तो आपको उनके बारे में और डिटेल जानना है तो आप वो मूवी को प्रीफर कर सकते हो, मूवी देख सकते हो। द मूवी का नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। तो ये उनका एक सबसे बेस्ट खोज है जिसे आज तक एकदम मतलब एक्टिव माना जाता है, वो है एक नंबर है मतलब 1729, एक 4 डिजिट का ऐसा नंबर है जो कि 2 सम का क्यूब निकालोगे तो आपको वो वैल्यू मिलता है। जैसे कि 1 का क्यूब + 12 का क्यूब आप करोगे तो 1729 नंबर मिलता है, इक्वल्स टू 9 का क्यूब + 10 का क्यूब निकालोगे तो गाइस फिर से वही नंबर मिलता है। तो श्रीनिवासा रामानुजन ने ही इसका भी डिस्कवरी किया था कि 1729 एक सबसे ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका कि 2 क्यूब है, मतलब 2 सम का ऐड करके क्यूब निकालेंगे। आप स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। उनका एक थॉट भी था गाइस, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। अनफॉर्चुनेटली उनका ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो उनको वापस से उनके प्लेस तमिलनाडु में लाया गया था। तो गाइस, उनका डेथ हो गया बाद में, ट्यूबरक्लोसिस उनको ऐसा डिजीज़ हो गया था उनका, बहुत ही कम यानी कि 32 ईयर के एज में ही उनका डेथ हो गया था। 26 अप्रैल 1920 को उनका डेथ हो गया गाइस। लेकिन उन्होंने जो छोटा सा लाइफ स्पैन था 32 ईयर्स का, उसमें हमें बहुत कुछ सिखा के गए कि हमें कभी हारना नहीं चाहिए। उन्होंने इतना मेहनत किया द ग्रेट मैथमेटिशियन के लिए, और उनको द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का दर्जा मिला था, जो कि एकदम ग्रेट से ग्रेट साइंटिस्ट लोग को मिलता है। एंड वी इंडियंस आर प्राउड ऑफ दैट श्रीनिवासा रामानुजन हैज गॉट दैट प्राइज। ही वॉज गेट द मेम्बरशिप ऑफ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। यस गाइस, उनको ये मिला था, और उन्होंने बहुत कुछ किया था, मैं एक वीडियो में डिस्क्राइब कर नहीं सकता। तो गाइस, बस आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। गाइस, आप इंस्टा पे फटाफट जाके फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए,